नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आज मेरे साथ पापा बैठे हैं, तो हम आज बात करेंगे कुछ हमारे नेबर के बारे में जो कि पाकिस्तान है, और ये देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कंपैरिजन करें अभी तो आप देख सकते हैं कि वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा डवाडोल है। और इसके पीछे का एक मुख्य कारण है कि वहाँ की जो सरकारें रही है वो अस्थिर यानी अनस्टेबल सरकारें रही है। तो जब लीडरशिप आपकी अनस्टेबल रहती है तो उसका पूरा का पूरा एक जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो पूरे देश में दिखता है। तो आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्थिति, जो वित्तीय स्थिति है, वो बहुत ज़्यादा नाजुक है। वहाँ पे कर्ज का बहुत ज़्यादा दबाव है और इम्पोर्ट ज़्यादा बहुत ज़्यादा है एक्सपोर्ट के अगर कंपेयर करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे निगेटिव में जा रही है। तो हम देखेंगे कि वहाँ की जो सरकार है वो इतनी ज़्यादा अस्थिर क्यों रही है, और ये आज से नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है तब से ये हमें देखने को मिल रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और मैक्सिमम हो सके तो शेयर ज़रूर करें ताकि सब्सक्राइबर मेरे बढ़े और मुझे भी हौसला मिले कि और इस तरह के वीडियो आपके सामने उपस्थित करता रहूं। तो सबसे पहले मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपने पापा का। पाकिस्तान में तख्ता पलट, सैन्य शासन, या कभी राष्ट्रपति बनना कभी प्रधानमंत्री बनना, इस तरह का शासन जो है वो शुरू से ही, जब से आज़ादी मिली पाकिस्तान को, तब से इस तरह की घटनाएं वहाँ होती रही, जिसके कारण कभी भी सरकार में स्टेबिलिटी नहीं रही। न कोई संविधान शुरुआत में था, न कोई शासन का एक तरीका जो होता है, चाहे सिविलियन रहे चाहे वो सैन्य शासन रहे, लेकिन सभी अपने में ही झगड़ते रहे, जिसके कारण वहाँ की जनता शुरुआत से ही पीड़ित रहा। इसी विषय पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत से ही लेके चलें, जब से जिन्ना वहाँ के कर्ता धर्ता कहिए, राष्ट्रपिता कहिए, लेकिन उसी जिन्ना को जिसके कारण वहाँ पाकिस्तान अलग हुआ, उसी जिन्ना को वहाँ के जो भी कर्ता धर्ता थे उन्होंने उनके अपने हाल पर छोड़ दिया, और बेचारे जब बीमार पड़े तो उसका सही ढंग से इलाज नहीं हुआ, और जब इलाज के लिए ले जाया जा रहा था एम्बुलेंस पर तो एम्बुलेंस भी रास्ते में कहीं खराब हो गया। अब जान के खराब किया गया या जो भी इसके पीछे कंस्पिरेसी हो कहना मुश्किल है, लेकिन जिन्ना की मृत्यु हो गई। तो ये बात ऐसी रही कि जब जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के जैसे बताया कि राष्ट्रपिता कहलाए जाते हैं, गवर्नर थे उस समय, गवर्नर जनरल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बना नहीं था, तो इसीलिए तो बस ये एक साल के लिए रहे, क्योंकि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, निमोनिया कैंसर सब हो चुका था इनको, और ये चाहते नहीं थे कि लोग इनके बारे में जाने कि इनको इस तरह की बीमारी है, क्योंकि उनको लगता था कि अगर ये जानेंगे लोग तो फिर इनको एक कमज़ोर लीडर के तौर पे देखा जाएगा, तो इसीलिए इन्होंने ये कुछ बताया नहीं। लेकिन बाद में जब जैसे बताया कि बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई थी इनकी कराची में, तो इनको एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था, लेकिन जो एम्बुलेंस है वो बीच रास्ते में ही ख़राब हो गया, और उसके बाद कोई दूसरा जो रिप्लेसमेंट है वो नहीं आया, और उसी एम्बुलेंस रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के कुछ अगर इंटेलेक्चुअल की बातें सुने या हिस्टोरियन की बातें सुने तो कहा जाता है कि वो जानबूझ के यानी बाय डिजाइन उनका एम्बुलेंस रास्ते में ख़राब करवाया गया, या उनको मदद के लिए कोई और एम्बुलेंस नहीं आया। तो ये पहले जो गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान की, उनकी कहानी है। अब दूसरे में लियाकत अली खां, ये जो प्रधानमंत्री थे पहले, वो देश के
पहले प्रधानमंत्री। देश मतलब यहाँ हम लोग पाकिस्तान की चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान के संदर्भ में सारी बातें हो रही है। तो प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां थे, जिनके साथ जिन्ना का मनमुटाव लगातार रहा, शुरुआत से ही रहा। और लियाकत अली खां के समय में ही तख्ता पलट का प्रथम प्रयास की रचना की गई, कंस्पिरेसी की गई। उस समय के आर्मी के जो हेड थे अकबर खां और कुछ कम्युनिस्ट थे, फैज अहमद फैज की मिली भगत से ऐसा हुआ। लेकिन अफगानी सैयद अकबर द्वारा ये मारे गए, क्या कारण था, क्या मिली भगत थी, उसका इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हुआ नहीं, और कंक्लूजन आज तक क्या रहा, किस कारण से रहा, ये किसी को सार्वजनिक नहीं किया गया, बताया नहीं गया। उसके बाद ख्वाजा नजीमुद्दीन, जो चूंकि पाकिस्तान जो उस समय का था दो भाग में था, एक पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान जिसे आज हम लोग बांग्लादेश कहते हैं, तो प्रथम बंगाली पाकिस्तानी गवर्नर जनरल या बाद में प्रधानमंत्री बने वो थे ख्वाजा नजीमुद्दीन। तो ख्वाजा नजीमुद्दीन के समय में दंगे बहुत हुए और मार्शल लॉ उन्होंने लगाया लाहौर के लिए स्पेशली लाहौर के लिए कहा जा रहा है। दंगे बहुत ज़्यादा हुए थे उस समय। और एक बात ये भी है कि निजामुद्दीन वही बंगाल और इसका वहाँ पे चल रहा था लाहौर में, और उसके कारण ये दंगे हुए थे। उसके बाद मलिक गुलाम मोहम्मद, इनको लाने वाले ख्वाजा नजीमुद्दीन ही थे। अच्छा। और इनका जब आज़ादी से पहले कहिए महिंद्रा और मोहम्मद करके कोई कंपनी थी बड़ी सी उस समय जमाने में, जिसके संस्थापक भी थे ये। यही कंपनी आगे चल के अब जो महिंद्रा महिंद्रा कंपनी है, जो कार बनाती है, वही कंपनी है। अच्छा। पहले वो महिंद्रा और मोहम्मद के नाम से जानी जाती थी। तो ये फिर जो गुलाम मोहम्मद थे ये पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बने, बाद में प्रधानमंत्री भी बनाया गया था ख्वाजा नजीमुद्दीन के द्वारा। लेकिन इनका भी स्वास्थ्य गिरने के कारण इनको निष्कासित कर दिया गया। अच्छा, इनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था, इनको गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये ख्वाजा नजीमुद्दीन प्रधानमंत्री बन गए थे। चूंकि उस समय तक राष्ट्रपति का कोई विधिवत चुनाव नहीं होता था, गवर्नर जनरल के रूप में ही लोग कार्यरत होते थे। सबसे पहले प्रथम राष्ट्रपति जो बने वो थे इस्कंदर मिर्जा। इनको लाने वाले कौन थे? इनको लाने वाले इस्कंदर मिर्जा को गुलाम मोहम्मद थे, जो इनसे पहले हमने जो जिक्र किया है ख्वाजा नजीमुद्दीन द्वारा उनको लाया गया इस्कंदर मिर्जा को। प्रथम संविधान इन्हीं के समय में लागू हुआ था। इससे पहले इन्होंने गुलाम मोहम्मद को निकाल दिया था। अच्छा। उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी। हाँ, उनको हटा दिया करके ये फिर बन गए थे गवर्नर जनरल। और उसके बाद, और इनका एक बैकग्राउंड क्या है वो भी बताएं। हाँ, ये एक्चुअली प्रथम संविधान तो लागू किए, उसके बाद मेजर जनरल अयूब खां को इन्होंने ही लाया था। और ये भी आर्मी से ही इनका बैकग्राउंड था। तो इस समय आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी की जो एंट्री थी वो वहाँ के सरकार में किस तरह हुई। हाँ, तो ये इस्कंदर मिर्जा द्वारा ही हुआ था, जो कि ये सबसे पहले आर्मी बैकग्राउंड से थे, लेकिन इन्होंने कोई तख्ता पलट करके वो नहीं आए थे, लेकिन इन्होंने फिर गुलाम मोहम्मद को ये उनका रेजिग्नेशन लेके ये खुद राष्ट्रपति बने, संविधान पहला संविधान हुआ, और फिर जनरल अयूब खान को बनाया गया इनके द्वारा। और वहीं अयूब खान
पहला सैन्य बर्खास्तगी करने वाला अयूब खान ही थे जो उनको बर्खास्त करके खुद राष्ट्रपति बन गए। मिलिट्री कू जो फैला हाँ। हुआ था, मिलिट्री कू जिसको कहते हैं तख्ता पलट, वो ये गुलाम अयूब खान द्वारा ही किया गया था। इस्कंदर मिर्जा की गवर्नमेंट का। हाँ, तो ये फिर जाके ये आगे पहले तो तानाशाह बने, फिर बाद में राष्ट्रपति। तो जनरल अयूब खान काफ़ी लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। उनके समय में अमेरिका के साथ गठजोड़ रहा, पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति जो थी वो भी बहुत अच्छा रहा। 1965 में जब भारत के साथ युद्ध हुआ उसमें पाकिस्तान की करारी हार हो गई, वो जनरल अयूब खान भी जिन्ना की बहन को भारतीय एजेंट बतलाते थे, उनको विश्वास नहीं होता था। और इसके अलावा जुल्फिकार भुट्टो और मुजीबुर रहमान, जुल्फिकार भुट्टो तो पश्चिम पाकिस्तान से ही थे लेकिन मुजीबुर रहमान जो अभी के बांग्लादेश या तत्काल उस समय के पूर्व पाकिस्तान से थे, उनसे भी इनका मतभेद रहता था। और बाद में जनरल याहिया खां को इन्होंने ही लाया और उसको सत्ता सौंप दी। तो एक बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि अयूब खान के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले तो इन्होंने पाकिस्तान को अमेरिका के स्फेयर जिसको कहते हैं स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, उनमें उनको लाया गया पाकिस्तान को। तब से जाके पाकिस्तान और अमेरिका का जो एक गठजोड़ हमें देखने को लगातार चलते रहा, लगातार चलता रहा। दूसरा, ये इलेक्शन के लिए मतलब इनको इतना ज़्यादा डर हो गया था क्योंकि जिन्ना की जो बहन थी फातिमा जिन्ना, उनकी पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा थी, तो इन्होंने इलेक्शन को ही रिग कर दिया और मिलिट्री इंटेलिजेंस की मदद से वो पूरा ये इन्होंने किया है। और इसके कारण ही ये 11 साल इन्होंने सर्व किया था विदाउट इवन बीइंग पॉपुलर। और 1965 के युद्ध के बाद जो पाकिस्तान को एक हार मिली थी, तो जुल्फिकार अली भुट्टो उनका मतलब उन्होंने वो पहले अयूब खान की गवर्नमेंट में ही फॉरेन मिनिस्टर थे और लेकिन बाद में उन्होंने रिजाइन देके अयूब खान को ही अपोज करना शुरू कर दिया था। तो फिर हुआ क्या कि जो अयूब खान थे उनका फिर बहुत ज़्यादा ये देखने को मिल रहा था कि वो इनकैपेबल हो चुके हैं कंट्रोल करने के, तो उस वजह से फिर उन्होंने याहिया खान को जो कि मिलिट्री कॉन्टैक्ट रहा उनका और ये उस समय मिलिट्री जनरल थे याहिया खान, तो उनको बागडोर दे दी। फिर उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो का रीजन आया, वो राष्ट्रपति भी बने प्रधानमंत्री भी बने। याहिया खान के दौर में पहले तो ये हुआ ना कि जो याहिया खान था इसके समय मुजीबुर रहमान चाहते थे प्रधानमंत्री। हाँ, उन्होंने इलेक्शन जीता भी था लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि नहीं, हम इसको मानते नहीं क्योंकि ये बंगाली है। पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान के लोगों या उसके नेता को ये लोग सही ढंग से ट्रीट नहीं कर पाए, उसके साथ हरदम मतभेद रखे, उसके कहा जाए जो अत्याचार या जो भी घटनाएं कह सकते हैं वो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर भी ज़्यादा हुआ, जिसके कारण 1971 में पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद होके बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान उस समय फिर याहिया खान की ये एक बहुत ही शर्मनाक हार थी हाँ भारत के उससे, तो इसके कारण फिर जो जुल्फिकार अली भुट्टो है वो पॉपुलर हो गए क्योंकि आर्मी जो थी वो एक तरह से वीक हो चुकी थी। तो इसके कारण फिर जो सिविल अगर कहें कंट्रोल था उस समय मिलिट्री पे सिविल कंट्रोल थोड़ा हावी दिखता उस समय दिख रहा था। तो फिर जुल्फिकार अली भुट्टो पहले राष्ट्रपति बने, उसके बाद 1973 में संविधान के बाद ये हाँ एक चीज़ यहाँ और मायने करना है कि पाकिस्तान का जो अभी का संविधान लागू हुआ है ये असल में जुल्फिकार अली भुट्टो के समय ही
लागू किया गया था 1973 में लागू हुआ, जो अभी तक पालन हो रहा है, उसी संविधान को वहाँ पालन किया जा रहा है। और इन्होंने फिर किसको जनरल बनाया था? जनरल जियाउल हक को जनरल बनाया था। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जियाउल हक को ही जनरल बनाया था। और उसके बाद जो कहानी हुई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जनरल जियाउल हक ही दूसरा सैन्य तख्ता पलट किए। यह अयूब खान के बाद की बात। अयूब खान प्रथम थे और जियाउल हक दूसरे थे जो सैन्य तख्ता पलट किए, और भुट्टो के सारे भरोसेमंद लोगों को इन्होंने या तो निष्कासित कर दिया या मार दिया या नज़रबंद कर दिया। भुट्टो पर भी कई फर्जी केस कर दिए गए। अब सत्य कहाँ तक है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसी के कारण भुट्टो को बाद में फांसी की सजा हुई। ये भी कहा जाता है कि जो जजेज भुट्टो के फेवर में थे उनको भी निकाल दिया था। हाँ, इस वजह से जो बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक जो आदेश आया उसमें भुट्टो गिल्टी पाए गए और उनपे फिर उनको फांसी की सजा मिली थी। तो ये एक बहुत अभी भी पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं कि ये समझते हैं कि वो अन्याय था जो भुट्टो के साथ हुआ था, और जुल्फिकार अली भुट्टो को जनरल जियाउल हक द्वारा ही फांसी जानबूझ के दी गई थी एक फर्जी केस में। जबकि कहा जाता है कि जियाउल हक के समय ही संविधान की अनदेखी की गई, अमेरिका सऊदी अरब के साथ गठजोड़ किया गया, सोवियत अफगान युद्ध में मुजाहिदीन को प्रोत्साहित किया गया, शरिया कानून के तहत मजहबी मुल्क बनाया गया, इस्लामिक जोन स्टेट एक्ट को बढ़ावा दिया गया, और उन्हीं का संजोग कहिए, दैवी संजोग या जो भी कारण रहा हो, जब हवाई जहाज क्रैश में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। और यह भी संदेहास्पद था क्योंकि ब्लैक बॉक्स तक नहीं मिला, गायब कर दिया गया या गायब हो गया, नहीं मिला। तो जुल्फिकार अली भुट्टो के मरने के बाद जियाउल हक ने पूरा कंट्रोल ले लिया। उसके बाद ये भी अनपॉपुलर एक स्टेप था क्योंकि लोग कह रहे थे कि ये तो आर्मी द्वारा एक इलीगल असंवैधानिक तौर पे ये किया गया है, लेकिन इन्होंने फिर इनको अपना एक ये चाहिए था कि क्रेडिबिलिटी के लिए फिर इन्होंने सऊदी अरेबिया के पास गए, फिर अमेरिका के पास गए और गठजोड़ बना के अमेरिका से जैसे जैसे पैसे आने लगे तो पाकिस्तान की स्थिति जो थी, वित्तीय स्थिति, उसमें कुछ सुधार हुआ, जिनके कारण और यहाँ पे और भी ज़्यादा यहाँ पे गन्स और ये सब आने लगे, मतलब लीगल गन, जैसे अमेरिका के टैंक्स हुए या अमेरिका के जो भी इक्विपमेंट्स है वो आने लगे, तो उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती चली गई। और इस वजह से ही जुल्फिकार अली भुट्टो को जियाउल हक को पाकिस्तान का सबसे लंबा सर्विंग जो कहते हैं लीडर वो कहा जाता है। तो ये 1978 में आए थे और 1988 तक इन्होंने सर्व किया था प्रेसिडेंट के तौर पे। उसके बाद नवाज शरीफ का युग आया। इनको लाने वाले भी जियाउल हक ही थे। तो नवाज शरीफ कई बार प्रधानमंत्री बने अलग अलग समय में, और नवाज शरीफ के समय में ही परवेज मुशर्रफ सेनाध्यक्ष थे, उन्हीं के समय में कारगिल युद्ध भी हुआ था। बाद में दोनों में मतभेद हो गया और नवाज शरीफ को हटा करके परवेज मुशर्रफ खुद राष्ट्रपति बन गए। तो एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है कि पाकिस्तान में आज तक 1947 से आज तक एक भी प्रधानमंत्री ने 5 साल जो उनका टर्म होता है वो पूरा नहीं किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। नवाज शरीफ 1993 में भी आए थे तो उस समय वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनके साथ इनका मतभेद था, राष्ट्रपति ने इनके सरकार को डिजॉल्व कर दिया और एक केयर टेकर गवर्नमेंट जो कि बाहर के एक किसी आदमी को
जो प्रधानमंत्री बना दिया गया था 6 महीने के लिए, केयर टेकर गवर्नमेंट 6 महीने के लिए होती है, तो वो वर्ल्ड बैंक का आदमी था जिनको कहा जाता है कि उनको उर्दू भी नहीं आती थी। वर्ल्ड बैंक के एक ऑफिशियल को ही पाकिस्तान का मतलब केयर टेकर गवर्नमेंट बना दिया था। फिर परवेज मुशर्रफ की तो बात है ही, फिर परवेज मुशर्रफ भी निष्कासित हो गए और दुबई में, कहा जाता है जो दुबई में रहते हैं उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। इन पे इम्पीचमेंट हुआ था, और इम्पीचमेंट भी हुआ था, देशद्रोही का मुकदमा भी है। उसके बाद बेनजीर भुट्टो का युग आया, उससे पहले ही था, पहले बनी थी, लेकिन इनको भी निकाल दिया गया। हाँ, बेनजीर भुट्टो को भी निकाल दिया गया और बाद में बेनजीर भुट्टो की हत्या हो गई। फिर इमरान खां बने, इमरान खां की स्थिति ऐसी रही जो उनके समय में देश का वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गया, कई देशों की यात्राएं उन्होंने की, हर जगह अपनी वित्तीय स्थिति का रोना रोते थे, लेकिन धीरे धीरे कोई भी मदद उन्हें नहीं मिला। क्योंकि पाकिस्तान का जो स्थिति है, कोई चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है, जिसके कारण सरकार की खुद की आमदनी जो देश से जनरेट होना था वो भी नहीं हो रहा था, और अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। इमरान खां के बाद शहबाज शरीफ बने, लेकिन कुछ दैवीय प्रकोप भी हो गया, जो बाढ़ का ऐसा दंश झेल रहा है पाकिस्तान जो शायद 50 साल पूर्व की स्थिति में चला गया है। आज भी वहाँ के लोग गरीबी झेल रहे हैं, भुखमरी झेल रहे हैं, महंगाई की मार पड़ रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सिस्टमेटिक व्यवस्था वहाँ नहीं है, जिसके कारण आज भी पाकिस्तान बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। बहुत ज़्यादा डगमगा चुका है पाकिस्तान अभी स्थिति में, कहा जाता है श्रीलंका बनने के उसमें। और ये बात इसीलिए है कि जो भी गवर्नमेंट आई है वो इगोइस्टिक, जो अपने लिए सोचने वाले ज़्यादा लोग, वो ये नहीं था कि देश के लिए सोचे या देश के लिए क्या अच्छा रहेगा। कहा जाता है कि तानाशाही में जो भी सरकारें बनती थी, जैसे कि अयूब खान या परवेज मुशर्रफ इनके दौर में होता था, या फिर जियाउल हक के दौर में, कि वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी हो जाती थी। उसका कारण कि अमेरिका के साथ इनकी दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती थी, तो अमेरिका से पैसे आते रहते थे, और उस वजह से ये अब। और ये भी था कि ये, मैंने तीनों का नाम लिया, अयूब खान और जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ, इनके दौर में जो थी सरकारें वो काफ़ी स्थिर रही हैं, उसमें कोई ये नहीं होता था। जैसे मैंने बताया कि बाकी जो भी गवर्नमेंट रही है वो अपना पूरा टर्म पूरा कर ही नहीं पाए, लेकिन ये लोग स्थिर रहे, कोई 10 साल रहा, कोई 6 साल, कोई इस तरह के उसमें रहे, तो इस वजह से उस समय कुछ सुधार देखने को मिला है, लेकिन अभी स्थिति वैसे ही है। और एक बात बहुत ही मतलब साइड नोट पे कहूँ, लाइटर नोट पे कहूँ, तो एक वहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका नाम है साहिद खखान अब्बासी। अब इनके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना बनी थी, जो कि बताएं। हाँ, कहा जाता है जब ये न्यूयॉर्क गए तो वहाँ पर इनके कपड़े तक उतरवा के चेकिंग हुआ, और ये एक प्रधानमंत्री के लिए बहुत अजीब तरह की घटना थी, क्योंकि वो ऑफिशियल प्रधानमंत्री के तौर पे न्यूयॉर्क गए थे, और उस समय प्रोटोकॉल ऐसा होता है कि जो प्रधानमंत्री का ये रहता है वो अलग से ये किया जाता है, लेकिन इनको साधारण पैसेंजर के तौर पे इनके साथ पूरा जो भी छानबीन होता है वो किया गया, और उनकी इस तरह की वीडियो भी बनी है। तो ये पाकिस्तान में इसका काफ़ी मजाक बनाया जाता है, जो कि मतलब कहते हैं कि और किसी के यहाँ नहीं होता, बस हमारे यहाँ, ऐसा देखने को मिलता है। तो ये एक लाइटर नोट पे था, लेकिन हम देख सकते हैं कि किस तरह से लीडरशिप अगर अच्छी ना हो तो फिर देश में जो स्थिति होती है वो डवाडोल हो जाती है। भारत में अगर देखें तो इस तरह का तो सैन्य शासन नहीं आया है, लेकिन हमने भी एक कोएलिशन गवर्नमेंट देखी है 30 सालों तक,
जो कि मतलब 80 के दशक से शुरू हुआ, राजीव गांधी के बाद से ही वो इस तरह का गवर्नमेंट 20 साल अगर कहें तो मोदी से, मोदी गवर्नमेंट है उनसे पहले तक, तो उस समय भी कोशिश की गई कि डेवलपमेंट हो, लेकिन बार बार सरकार गिर जाती थी। हाँ, चाहे वो देवेगौड़ा की सरकार हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, गिर जाती थी। हाँ, हो या फिर लेकिन कोएलेशन भी होता था, कोएलेशन में सारे पार्टियों का बात मानना पड़ता था, तो उस समय होता था क्या कि जो पॉलिसी है वो स्टक हो जाती थी, तो क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टी जो भी अलाइड थे वो एक पेज पे नहीं हुआ करते थे, किसी को कुछ चाहिए होता था, किसी को कुछ चाहिए होता, तो इसीलिए पॉलिसी स्टक होती थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो अभी क्योंकि मोदी सरकार ने काफ़ी सीटें एक साथ जीती, मेजॉरिटी दो बार लाए हैं, तो उनके दौर में पॉलिसी जो है वो बहुत फास्ट ट्रैक है, तो ये डिफरेंस होता है लीडरशिप का। तो इसीलिए जो अगर आप डिफरेंस देखें तो पाकिस्तान का क्या ये है और भारत में क्या हुआ, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम लोग उम्मीद करें जो पाकिस्तान की भी स्थिति अच्छी हो, क्योंकि अभी जस्ट कुछ महीनों पहले या कुछ दिन पहले हम लोगों ने श्रीलंका की स्थिति देखी है, तो इस तरह की पड़ोसियों पड़ोस में इस तरह की घटनाएं होना स्थिरता लाता है पूरा इसमें, और उसके कारण सारे अगल बगल के कंट्रीज में भी अस्थिरता आने की आशंका बनी रहती है, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, जो भी समस्या है, इवन सिविल वॉर हो सकता है, सिविल वॉर हो सकता है जो कि पूर्व पाकिस्तान में हुआ है, उसके कारण बहुत सारे बांग्लादेशी भारत में आ चुके थे। हम लोग उम्मीद करें जो सारे पड़ोसी भी अच्छी स्थिति में रहें और आगे जो भी घटनाएं होंगी फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तो मैं फिर से आपसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे फिर इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा। आप कृपया जो ये वीडियोज हैं, जो भी चैनल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर फैलाएं, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ये बांटें, क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं जो कि लोगों को काफ़ी पसंद भी आते हैं, उनका ज्ञान भी बढ़ता है। तो इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।